मैं जिसको फॉलो अप किया हूँ उनका नाम है राजू साहब, जो सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करते हैं। तो हमारे एक एरिया है हावड़ा का, एक हॉटस्पॉट है जिसका नाम है पीलखाना। वो नॉर्मली एक स्लम, अर्बन स्लम है जहाँ पे बिल्डिंग्स है, बड़े बड़े बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फैमिली वहाँ पे रहते हैं। तो वैसे ही हमारे जो फील्ड ऑफिसर थे वहाँ के, सोईवाल माझी बोल के और वो कृष्णा बेरा और देवजानी, ये लोग उस एरिया में नॉर्मली स्क्रीनिंग करते हैं। ये स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने एक जो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी होते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करते हैं, ऐसे ही एक आदमी से मिला था और हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, लीड प्रोजेक्ट के बारे में और टीवी के बारे में बताया था कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, उसमें क्या क्या हम लोग क्या क्या उनको हेल्प करते हैं, क्या क्या हम लोग फैसिलिटी देते हैं, उनके बारे में बताया। तो उसी दौरान वो जो मालिक था उनका नाम था राहुल सिंह, उन्होंने बताया कि उनकी एक स्टाफ है जो कुछ दिनों से खांसी और ये सिम्टम्स के जूझ रहे हैं। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आपको हमें सभी पता है कि हम लोग UPSC में भी, अर्बन हेल्थ फैसिलिटी में भी हम लोग सपोर्ट मतलब स्क्रीनिंग करते हैं, वहाँ पे भी डॉक्टर का हेल्प करते हैं। तो उसी दौरान हम लोग ने बताया था कि वो UPSC 2 है, तो हम लोग UPSC 2 में कल आपके जो स्टाफ है उनको भेज दीजिए। तो जब वो जो मालिक है वो नेक्स्ट डे एज यूजल उन्होंने भेज दिया था, मगर डॉक्टर ने उसे, वहाँ के जो डॉक्टर थे, प्लेन पैरासीटामोल और कुछ मेडिसिन दे के छोड़ दिया। बट हमारे जो फील्ड ऑफिसर था सोईवाल माझी, उसको लगा था कि इसका हो सकता है, क्योंकि उसका जो सिम्टम्स था खास रहे थे। और उसके बाद उनको जब वो जा रहे थे तो उनसे साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तब उन्होंने बताया कि हाँ वो पिछले 2-3 महीने से उनका खांसी है, 10-15 दिन से रात को बुखार आ रहा है, सीने में दर्द है, बदन में दर्द है, भूख नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रहा है उसके, मतलब काम नहीं कर पा रहे, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम है रात में जाके वो नहीं कर पा रहे प्रॉपरली। तब उन्होंने बताया कि आप हमें कल मिलिए, हमारे जो लैब है लखोटिया बोल के, वहाँ पर आप आ जाइए, वो नियरेस्ट है, वो सब नोन है। बोला ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊँगा और आप उनको बोल दिया गया। तो उसी टाइम बलगम का जो स्पूटम कैप था वो भी उनको दे दिया गया था। तो नेक्स्ट डे एज यूजुअल वो आ गए थे, जो आते नहीं है नॉर्मली वो आ गए थे एक्सरे कराने। अच्छा, वो ये जो 2-3 महीने से वो हो रहा था तो वो दवा ले रहे थे डॉक्टर? हाँ, नॉर्मल लोकल डॉक्टर से उसके बाद खांसी का दवा ले रहे थे। कुछ दिन आराम है, फिर से खांसी हो रहा है उसको। तो उनको फिर वो कैश दिया, नेक्स्ट जो आए उसके एक्सरे कराए और उसके बाद उनको हम लोग कैश भी दे दिए। तो उनने बलगम जो भी सुबह का जैसे हम लोग बोले थे 2 कैप्स वो उन्होंने फॉलो किया था। फिर उसका टेस्टिंग भी हुआ, वो कैसे हुआ टेस्ट? ओ माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोप हमारे वहाँ पे नॉर्मल माइक्रोस्कोपी होते हैं। उसके बाद अगर पॉजिटिव हुआ तो देन वो सीबीएट या टूलेट मिल जाते हैं। फर्स्ट माइक्रोस्कोपी में उसको पॉजिटिव, मगर इसी दौरान उसका और तबीयत खराब हुआ, उसने 2-4 दिन जैसे लगा वो अपने घर चले गए थे, मतलब जहाँ पे वो बिलोंग करते थे अपने। ये फरवरी नहीं, जनवरी लास्ट और फरवरी का जनवरी लास्ट सर्दी का मौसम था, वो घर चले गए। और उन्होंने जो फोन नंबर दिया था वो फोन नंबर लग नहीं रहा था। फिर हमारे सिटी फील्ड ऑफिसर, वो जो सिक्योरिटी कंपनी का मालिक है, उसके साथ कम्युनिकेट किया। फिर वो भी प्रॉपर तरीके से बता नहीं पाते कब आएगा, क्योंकि इन लोगों का तो ऐसे ही है कि 20 डेज जॉब है, 20 और उन लोगों का 24 डेज जॉब तो है नहीं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ फ़ोन करके। उन्होंने और एक फ़ोन नंबर दिया उसका भाई, तो फिर हम लोगों ने उनसे भाई के साथ कम्युनिकेट किया। फिर भाई के साथ कम्युनिकेट के बाद वो 2-3 दिन में फिर वापस हमारे पास आ गए। तो पता चलता है उसके अकाउंट नंबर, बैंक में कोई अकाउंट नहीं है, ये हमारे लिए सबसे, क्योंकि वो नहीं होने से आधार है मगर अकाउंट नहीं है। फिर क्या होता है कि वो मिक्सर में उनको रजिस्टर करना और जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी मिलती है अकाउंट से वो उसको नहीं मिलेगा, और वो नीड भी है। फिर हमने क्या किया, उनके जो मालिक है उसको मोटिवेट किया कि इनका एक अकाउंट खुला दें, क्योंकि आप किसको सैलरी पे कर दो, बैंक के थ्रू कर देना। तो उन लोग तो चाहते नहीं हैं वो, ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, वो बैंक वो तो कैश पेमेंट करते, उन लोग चाहते नहीं हैं कि हम लोग बैंक थ्रू पेमेंट करें। फिर हम लोग बोले कि तब आपका कोई रिश्तेदार का अपना वाइफ का आप दीजिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी सभी महिलाओं का खुला गया है अकाउंट, आपको वाइफ का दीजिए, आपकी लड़की है तो उसको दीजिए। मतलब वाइफ उनका नहीं दिया। फिर हम लोग उसको भाई को फिर से फ़ोन किए,
फिर भाई को हम लोग मोटिवेट किया, आप आपका अकाउंट नंबर दीजिए कुछ नहीं, बस इनका जो गवर्नमेंट थ्रू जो फैसिलिटी मिलेगा वो नहीं। फिर उनका भाई का अकाउंट नंबर लिए और उनको मेडिसिन स्टार्ट कराए। अच्छा, तो उनकी फैमिली में उनकी वाइफ हैं और एक दो बच्चे और भाई अलग रहते हैं? भाई अलग तो अभी उनका मेडिसिन चालू है ऑलरेडी और वो मेडिसिन ले भी रहे हैं। एक मंथ वन मंथ हो गया उसका मेडिसिन लेते हुए, अभी वो ठीक से मतलब मिलते हैं। जो फॉलो अप में पता चल रहा है कि अभी और खांसी कम हुआ है, बुखार टुखार नहीं आ रहा है और जो जो वीकनेस था वो वीकनेस थोड़ा ठीक हो रहा है, उतना नहीं है, वीकनेस काम भी कर रहे हैं मगर मेडिसिन डेली ले रहे हैं। तो इस ट्रीटमेंट कब शुरू हुआ इनका? नहीं, इसका शुरू हुआ है फरवरी बीच में, क्योंकि अच्छा। टेस्टिंग में और इसका बीच में नहीं चले गए थे, इसीलिए 10-15 दिन का गैप हुआ है। ये फरवरी 10-15 तारीख से स्टार्ट हुआ। तो अच्छा, और फिर उसका वाइफ का भी? हाँ, उसका वाइफ का और उनका जो बच्चे का है उसका नाम मैं अभी नहीं भी याद है, मगर उन दोनों का सभी फैमिली का हमने टेस्ट करा है मगर वो नेगेटिव निकला है और उनको हम लोग TPT के लिए मोटिवेट कर चुके हैं, वो लोग TPT भी ले जाते हैं। और एज क्या होगी उनकी? उनका एज होगा 40। और दवा लेने रोज जाना होता? हाँ, नहीं, हमारे वहाँ पे क्या है कि एक वन मंथ का जो जिसका एड्रेस मतलब प्रॉपर एड्रेस है उनको वन मंथ का दवाई दे देते हैं। और एक हमारे लिए क्या हुआ, जो हमारे जो UPSC है वो नियरेस्ट है, इसीलिए हमारे जो CO4 है सोईवाल उसको आसानी से उसको डेली फॉलो अप कर सकते हो, नियरेस्ट है जिसका, डेली सिक्योरिटी गार्ड में रहते हैं। और उनका वो रेजिस्टिविटी टेस्ट भी हुआ? हाँ, वो भी हो गया है मगर वो ससेप्टेबल है, अच्छा। तो जो होमलेस है उनको रोज दवा लेने जाना पड़ता है? हाँ, जिसका होमलेस है उनका फास्ट 7 दिन उन लोग मेडिसिन देते हैं, उसके बाद अगर 7 दिन बाद मेडिसिन लेने आते हैं तब उसको 15 दिन का मेडिसिन देते हैं। अच्छा। मगर उनको डेली फॉलो अप करेंगे बोल के हमारे पास बोलते हैं, आप लोग डेली फॉलो अप करोगे और वीकली हमें आके इन्फॉर्म करते जाओगे ये मेडिसिन दे रहे हैं। पर मुझे लगा था कि हमारे हावड़ा में ये है, बाद में मैं दिल्ली से भी कॉन्फर्म, दिल्ली में भी सेम है। वैसे एक मंथ का दे देते हैं अगर एड्रेस प्रॉपर है, ठीक ठाक है, तो एक मंथ को लोग दे देते हैं। अगर मेडिसिन भी प्रॉपर होना चाहिए ना, अभी तो वही प्रॉब्लम चल रहा है। और ये रहते कहाँ है वहाँ पे? अच्छा, ये ऐसा हाँ, पीलखाना एरिया है, पीलखाना शायद सनातन मिस्त्री लेन बोल के जो रोड है, मकान है उनका, मकान खुद का नहीं है, किराए पे हाँ, मकान किराए पे। तो अब उनको वो 500 rupees पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। वो एक वो क्या होता है वो 3 months में एक बार आते हैं उसके बाद। अच्छा अच्छा, हर मंथ जो आता है हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके। और नहीं, और आप आपका मैसेज, और आप ये भी प्लीज़ शेयर करिए कि ये आप जो काम कर रहे हैं एक इंसान के नाते, और ये क्यों इतना ज़रूरी है इफ़ वी हैव टू एंड TP? क्यों ज़रूरी है कि TP को तो मतलब हम लोग जब फर्स्ट टाइम गए थे हावड़ा में, मैं भी फर्स्ट टाइम था TP के इस फील्ड में, मैं पहले एजुकेशन फील्ड में जॉब करता था जुमना में, तो मैं मुझे इसलिए चुना गया था कि मैं बंगाली स्पीकिंग हूँ और बंगाली स्पीकिंग में एरिया, तो मुझे लगा था यह कि यहाँ का मिले। मगर जब मैं वहाँ पर उनके साथ स्क्रीनिंग में प्रिज्म टीम में तब मैं देखा कि बहुत सारे हैं और नीड है इसका, मतलब नीड है, लोग स्टिग्मा टाइप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में फॉलो अप करने मत आओ क्योंकि बगल वाले लोगों को पता चल जाए, हमारे ये CO को भी ऐसा लगा। उसके बाद कम्युनिटी में मुस्लिम कम्युनिटी है वो सोचते कि हम लोग भी TB होता है, हिंदू भी होता, मगर ये गलत हो गया है कहीं कहीं जगह, बहुत गलत है, बहुत जगह पर गलत है। हमारे जो पीलखाना है वो मेनली मुस्लिम है, मगर मुस्लिम जब उतना नहीं मिल रहा है जितना जहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा एक साथ लोग बहुत रहते हैं, 10 लोग 8 लोग कंजेस्टेड जितना होगा वहाँ पर फैलने का चांसेस उतना है। मैंने ऐसे भी देखा हूँ कि मतलब घर में किसी का TB डिटेक्शन हुआ है, बाकी को हम लोग ने जब स्क्रीनिंग का क्लोज कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग जब करने गए, पहले बार नहीं, हम लोग सब सही है, हम लोग बोले
कि एक्सरे करा लीजिए, स्पूटम अगर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं एक्सरे करा लीजिए। तब हम लोग ठीक है करा लेते हैं, फिर हम लोग मोटिवेट की स्पूटम भी करें, स्पूटम कराए, माँ को टीबी है अपनी बीबी को। उसके बाद हमें एक औरत मिला था कि उनका बड़ी बहन खुशी नाम है उसका, उसका भी टीबी था। मतलब 2000 हम लोग ज्वाइन मतलब स्टार्ट करते पहले, मतलब 2023 फरवरी मार्च में स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग किसी को पता चला कि इस बहन में टीबी हो रहा था, तो हम लोग ने वो जैसे हम लोग क्लोज कॉन्टेक्ट स्क्रीनिंग के साथ गए थे, तो फिर हम लोग उसका भाई पूरा फैमिली का हम लोग करने लगे, तो भाई का जो चेस्ट एक्स रे हुआ उसी से पता चल गया कि उसका टीबी है। तो हम लोग बोला सी वहाँ पर जल्दी एक्सरे से मेडिसिन स्टार्ट नहीं करते, बोला सी टी स्कैन कराओ, तो सी टी स्कैन कराए तो कन्फर्म हुआ टीबी है उसके मेडिसिन। फिर हम लोग उसको घर पर जब थे, फिर उसका और एक घर कर दी, ऐसे भी हुआ। और ज़्यादा सिम्टम्स नहीं रहे, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है, हल्का छत्ता छाती में दर्द, कभी कभी बुखार आया, लोग उसको इग्नोर कर जाते हैं, मगर उसी में टी बी और लोगों को जरूरत है, लोग मतलब अवेयर नहीं है इसके बारे में। हम लोग बात की थी गवर्नमेंट ऑफिसर से, उनको बोलना था कि डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर तो ठीक क्यों नहीं होते मगर टी बी एकदम क्योर होती है, मगर लोग उसमें अवेयर नहीं है। हाँ शायद सोमा मैडम एक कहानी बोलती है, उसका बीबी निकाल दिया रास्ते में पड़े थे, और मतलब उन्होंने खुद हमें फ़ोन करके बताया, फिर हम लोग उसके पास हॉस्पिटल में एडमिट कराए, उसके बाद वो ठीक है और घर वाले ने उसको एक्सेप्ट किया। बीबी ने तो अब निकाला होगा शराब बहुत क्योंकि बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं जहाँ बीबी को घर से निकाल दिया गया कि यहाँ पे अभी अभी आई थी था कि उसका लाइफ को बीबी था। मतलब वो भाई आप सही कह रहे कि स्टिग्मा इतना ज़्यादा है और नॉलेज नहीं है लोगों को। और इनमें सबको जब भी जो भी मेरे पास कोई पेशेंट आया है मिला या कोई प्रिजम्पटिव से, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपका पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पॉजिटिव भी हुआ तो अगर आप क्योर भी हो जाएंगे और 15 दिन के बाद आप फैलेंगे भी नहीं, आप किसी से मतलब एक दूसरे से चेंज जैसे होता है वो नहीं होगा, क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगा। और एक होता है कि वहाँ पर मैंने देखा बहुत लोग क्या कहते हैं, लोकल डॉक्टर से जो भी है उसके पास चले जाते हैं, उस लोग क्या करते हैं कफरत दे दिया या कुछ मेडिसिन दे, उसमें ना दबे रहते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो जब वो होता है तब उसका पूरा छाती खराब होता है, लंग्स देखना डैमेज है। क्योंकि मैंने ऐसे पेशेंट को भी डील किया है कि हमारे वहाँ पर हावड़ा से नियरेस्ट कोलकाता है अपोजिट, तो बहुत है वो SSKM बोल के जो बेस्ट हॉस्पिटल है उन्होंने पर रेफर कर देते या मेडिकल कॉलेज, तो हम लोग वहाँ पर भी लेके गए। वहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये ऑलरेडी एक बार टीबी का मेडिसिन खा चुके हैं, क्या एक बार दो बार खा चुके हैं, इनका लंग्स वीक हो गया है, अभी इसको मेडिसिन चालू करें, मेडिसिन चालू करने लगे मगर ये मेडिसिन का जो हाई डोज होता है ये लोग इसको टेक किया डेड हो जाएगा। तो इसको सबसे अच्छा है कि आप लोग इसको मतलब मेन मेडिसिन चालू नहीं करूँगा, ये लोग सीधा बोल देते हैं डॉक्टर बोलते हम लोग नहीं, पर बहुत टाइम तो बोलते हैं कि इन लोग इतना ज़्यादा मेडिसिन खा चुके हैं कि ये दबे हुए हैं, रेजिस्टेंट हो गए और स्पूटम नहीं आ रहे हैं।